साइबर सिटी गुरुग्राम में अब ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, क्योंकि गुरुग्राम में एक अनोखी पहल की गई है जिसके माध्यम से सड़कों पर अब ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक के हिसाब से चलेंगी और जिधर ज़्यादा ट्रैफिक होगा सिग्नल अपने आप ग्रीन हो जाएगा, जिससे सड़कों पर लगने वाला जाम खत्म हो जाएगा। गुरुग्राम में ट्रायल के तौर पर 4 जगहों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जिसका केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को उद्घाटन किया। हाँ, इनका नाम है आरटीएमएस, रियल टाइम ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जो कि जापान के अंदर बना हुआ है और जापान के कंपनी के मालिक हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसकी सिफ्त ये है कि इसके अंदर सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम नहीं है और एक रेड लाइट के ऊपर जो चिप लगा हुआ होगा वो अगली रेड लाइट से और पिछली रेड लाइट से अपने आप ही संपर्क कर लेगा और उससे ये होगा कि जो 10-15 सेकंड जो होती हैं सेंट्रल कंट्रोल रूम के माध्यम से जो आने की बात होती है वो इसके अंदर ज़रूरत नहीं होगी और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से सुचारू रूप से ट्रैफिक चल पाएगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर हुडा सिटी सेंटर से लेकर के सुभाष चौक तक आज के दिन इसको चलाने का प्रयास है, पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें 4-5 इंटरसेक्शन कवर्ड हैं। मैंने इनसे निवेदन ये किया है कि जितने भी 7-8 इंटरसेक्शन सुभाष चौक से लेकर के और अपने हुडा सिटी सेंटर तक के हैं उन सबको इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर लो और अगर ये कामयाब हो जाता है तो गुड़गांव के अनेक और 50 इंटरसेक्शंस जो हैं उनके अंदर भी इसको लगा लिया जाएगा और कोशिश ये होगी कि कमर्शियल रेट के ऊपर इसको जो हमारी पेरिफेरियल सदर्न पेरिफेरियल हाईवे है उसके ऊपर लगा लिया जाए। ये इनसे बातचीत चलेगी जब ये यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कामयाब हो जाएगा।